ट्रांसपोर्ट के हड़ताल के बाद इंदौर में रविवार को पेट्रोल की किल्लत देखने को मिली, जिसके चलते रविवार रात्रि पंप बंद होने के कारण इंदौर की जनता को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। वो सोमवार को लोग सुबह 6 बजे से पंप पहुंच गए, जिसके चलते कलेक्टर लोकेश जाटव ने लोगों को परेशान होने की सलाह दी। हड़ताल का असर रविवार के दूसरे दिन देखने को मिला, जिसके चलते इंदौर कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि इंदौर में पेट्रोल को लेकर कोई भी समस्या नहीं होगी। रविवार को रात्रि को पंप बंद होने के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा व कई लोगों को गर्भों में व्यस्त होने के कारण पेट्रोल की किल्लत के बारे में जानकारी न होने से अपने वाहनों को हाथों से धकेलते नजर आए। वह कलेक्टर की सख्त निर्देश के बाद इंदौर में पेट्रोल की समस्या को हल करने के उपाय के साथ सोमवार को मांगलिया डिपो से पेट्रोल के टैंक निकाले गए, जिसके बाद इंदौर सोमवार शाम तक पेट्रोल की समस्या सामान्य होने के आसार बन रहे हैं। नमस्कार, केएनएन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू यादव और आज हम मौजूद हैं इंदौर के पलासा के पेट्रोल पंप पर, जहां पर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद में आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ है। पेट्रोल की किल्लत को लेकर लोग काफी परेशान हैं व लोगों को पेट्रोल की हड़ताल, जो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है उसके कारण जो पेट्रोल में जो दिक्कत आई है, पेट्रोल ना मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही है। इंदौर की जनता से जानते हैं कि उनको पेट्रोल को लेकर क्या दिक्कत आ रही है। सर, हड़ताल, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद में जहाँ पर पेट्रोल रविवार को बंद कर दिया गए थे, सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे, उसके बाद में आज सोमवार को देखने को मिल रहा है कि लोग 6 बजे से पेट्रोल की लाइन में है, तो सर आपको क्या दिक्कत आ रही है पेट्रोल ना मिलने के कारण, जो पेट्रोल की दिक्कत आ रही है पेट्रोल पंप पे? बहुत दिक्कत आ रही है मैडम हमको। हम दूर दूर से है ना आ रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए, लंबी लाइन में खड़े हैं, धूप में तप रहे हैं, पेट्रोल की यहाँ पे भी मारा मारी चल रही है, पेट्रोल मिल नहीं रहा हमको, कहीं पे भी इंदौर में पेट्रोल मिल नहीं रहा, बहुत समस्या आ रही है, काम धंधे हमारे चौपट हो रहे हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। गोपाल वाकोड़े, इंदौर से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, लोगों की जो रोज दिनचर्या है वो इस चीज़ से प्रभावित हो रही है, लोगों को अपना काम छोड़ छोड़ के यहाँ पर पेट्रोल की लाइनों में तपती धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की दिक्कत तो हो रही है लोगों को, बाकी उसके बाद में जो पेट्रोल पंप पे इतनी लाइनें लगी हुई है, इतनी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है पेट्रोल भरवाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं पेट्रोल भरवाने के लिए वो सड़कों पे उतर आई है, सड़कों पर जाम की स्थिति एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यातायात में भी काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को आवागमन में भी काफ़ी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आइए कुछ और जनता से जानते हैं हम कि उनको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद में पेट्रोल की किल्लत को लेकर। सर, जो पेट्रोल की किल्लत हो रही है जनता को, उसमें आपको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है? मैं समझता हूँ कि आज सुबह से ही, आज सुबह 7 बजे से पेट्रोल की किल्लत है, आज मिलने ही बंद हो गया है, सब दूर इसी टाइप की सभी दूर लाइन लगी हुई है, 100-200 लोगों की लाइन लगी हुई है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को कहाँ जाना, अति आवश्यकता जो काम है वो सब फेल हो गए हैं, और इसकी एक दिन पहले जानकारी नहीं दी गई, ये इंदौर जिला प्रशासन की गलती है। एक दिन पहले जानकारी मिल जाती तो आदमी एक्स्ट्रा पेट्रोल भर लेता, ये अभी सुबह सुबह अचानक ही हुआ ये अचानक। प्रशासन की तरफ से जैसे कि कलेक्टर के आदेश जारी हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी किल्लत नहीं होगी इंदौर की जनता को, उनकी तरफ से पूरी तरीके की व्यवस्था की गई है, ताकि और उनकी तरफ से एक मैसेज भी दिया गया है कि इंदौर की जनता ना हड़बड़ाए और अपनी जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है वो उसको कायम बनाए रखें, और दिन तक जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो रही है कि ये जो दिक्कत आ रही है लोगों को वो ख़त्म भी हो जाएगी। वैसे मैं समझता हूँ कि दोपहर तक ख़त्म हो जाएगी, ये ज़्यादातर अफवाह ज़्यादा फैली है, दूसरा क्या है कि पेट्रोल तो मिल रहा है बाकी लाइन ज़्यादा लग रही है, कोई अगर 100 का भराता है तो 500 का भराता है, कोई 1000 का भराता है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कालाबाजारी भी हो रही है, लोग ज़्यादा भरा के बेच रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, कुछ व्यवस्था इस वजह से ही फैल रही है। सर आपका नाम बता दीजिए। गोपाल अजयपाल, शेर कांग्रेस महामंत्री। आइए हम फूड अधिकारी से भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद है कि किस प्रकार के से वह ये व्यवस्था को हैंडल किए हुए हैं।
सर क्या क्या परेशानी आ रही है, जैसे कि लोगों में अफवाह ज़्यादा फैल रही है उसके कारण लोग खुद ही परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सुविधा जो हम उन्हें देना चाहते हैं प्रशासन की तरफ से मिलना चाहिए वो उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैडम सुबह से मैं आज मॉर्निंग 7 बजे से यहाँ पर आया हूँ पेट्रोल पंप में, और यहाँ के जो ऑनर है राजेश अग्रवाल जी वो पूरी बिल्कुल हम लोग पूरी मेहनत पुलिस प्रशासन का सहयोग कलेक्टर साहब का सहयोग मिल रहा है, और हम पूरी मेहनत से कल से लगे हुए हैं कि पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, और प्रॉब्लम लगभग समाप्त ही हो चुकी है, और जितनी भी एवी रोड की पेट्रोल टंकियाँ हैं जो जो मेरे क्षेत्र की मैं बिल्कुल उसमें सुबह से लगा हुआ हूँ बड़ी मेहनत के साथ, और काम धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है, और मैडम आगे और आने वाले टाइम में सही हो जाएगा 2-4 घंटे में। सर ये जो स्थिति बढ़ रही है जो लोग परेशान हो रहे हैं ये कब तक आपको लगता है कि कब तक ये हैंडल हो जाएगी? मैडम बस आज का समय का संडे होने की वजह से डिपो बंद हुआ था आज, लेकिन पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार हम लोग सब लगे हुए हैं, और जल्द से जल्द और कुछ टाइम के 1-2 घंटे में ही रिजॉल्व होने की कोशिश। सर ये जो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई है तो इसको लेके किसी चीज में परेशानी आ सकती है? मैडम इसके बारे में अभी तो मेरे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश है कि पूरी तरह से समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा जल्द से जल्द। अब हम इन पलासे के जो पेट्रोल पंप है उनके ऑनर से बात करेंगे कि उनको यहाँ पर मैनेजमेंट संभालने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह इंदौर की जनता काफ़ी मात्रा में हर पेट्रोल पंप पर एकत्रित है, वह कई अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि पेट्रोल पंप की हड़ताल चल रही है, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं पलासिया पेट्रोल पंप के ऑनर से। सर आप बताइए कि अफवाहें भी फैल रही है कि पेट्रोल पंप की हड़ताल है, तो इस बारे में आप जनता को किस चीज़ से रूबरू कराएंगे? अफवाह कोई जो ये सब जनता में अफवाह है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो पेट्रोल की आपूर्ति नहीं है। हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी मिस्टर विवेक सिंह जी भी यहीं खड़े हैं, और कलेक्टर साहब महोदय साहब को पूरा सपोर्ट है, पूरी सप्लाई जा रही है। अभी तक मांग लिया डिपो से कम 200-250 गाड़ियाँ भर के पेट्रोल भर के निकल चुका है, और पूरे इंदौर सिटी में शाम तक सब दूर पेट्रोल ले जाए, कोई किसी प्रकार की हम लोग की हड़ताल नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है, और कस्टमरों का वो हो रहा है इसमें अफवाहें फैला रहे हैं, हमारी तरफ से कोई हड़ताल नहीं, हम लोग पूरा सहयोग देने के लिए खड़े हैं। इवन जिला पुलिस, जिला हमारा इंदौर प्रशासक सब हमको पूरे सपोर्ट में खड़े हैं, हम सबके साथ में खड़े हैं, और हमारे फूड अधिकारी साहब भी यहीं खड़े हैं, सुबह से यहीं खड़े हैं, वो भी सारी व्यवस्था संभाले हुए हैं, कुछ तकलीफ नहीं है किसी को भी, और ना हम आने देंगे किसी को पेट्रोल की तकलीफ। देखने के लिए मिल रहा है कि लोग 6 बजे जैसे कि कल रात को रविवार को पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे, उसके बाद में कहीं ना कहीं अफवाह फैली है कि पेट्रोल पंपों की हड़ताल है। रविवार होने के कारण से डिपो के बंद थे, छुट्टियां थी, इसलिए थोड़ी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन आज सुबह 6 बजे से डिपो चालू हो चुके हैं, प्लस जो जो पेट्रोल पंप पे सुबह पेट्रोल था सब सुबह 6 बजे सब चालू सुचारू रूप से सब चालू हो गए, और सब तो पूरे इंदौर शहर में सप्लाई प्रॉपर तरीके से चल रही है, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश अग्रवाल, सुनील सब स्टेशन पलासिया चौराहा इंदौर। जैसा कि आपने देखा कि हमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार की किल्लत जनता को नहीं उठाना पड़ेगी, और माननीय कलेक्टर जी महोदय ने यहां पर निर्देश भी दिए हैं कि इंदौर की जनता को पेट्रोल के लिए कोई भी किल्लत उठाने की ज़रूरत नहीं है, सभी जो दिनचर्या है वह निरंतर चलती रहेगी, वह जो पेट्रोल के लिए जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि पेट्रोल पंप की हड़ताल चल रही है वो सरासर अफवाह है, तो इस पर केएनएस की टीम के से भी आपका यही आग्रह है कि इस तरह के अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए, सामान्य हो जाएगी। कैमरामैन भरत नरवरे के साथ खुशबू यादव की रिपोर्ट।